मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। महाराष्ट्र पुलिस ने धूले के सिंगोर गांव के पास एक गाड़ी से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि 79 तलवार, एक खंजर इस गाड़ी से बरामद किया गया है और जिसकी कुल कीमत 7,13,600 रुपये बताई जा रही है। धूले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रवीण कुमार पाटिल ने बताया है कि इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। कल्याण कुलसेवाड़ी पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 30 गांव परिसर में रात के समय एक व्यक्ति एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़कर पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी जानकारी कुलसेवाड़ी पुलिस को लगी और मौके पर पुलिस पहुंची, रंगे हाथ इसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम हरक बहादुर बौद्ध है। कल्याण के महसोवा इलाके में 2 युवक हाथों में तलवार लेकर रात के समय इलाके में दहशत फैला रहे थे और इन लोगों ने वहां से गुजर रहे अजय शिरथ 26 वर्षीय पर तलवार से हमला भी कर दिया है, जिससे वो घायल हो गया है। हाथ में तलवार लेकर घूम रहे दोनों आरोपियों के नाम है संदीप राठौर, नागेश दलवी। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के पोस्ट मार्केट यार्ड इलाके में सड़क किनारे सो रहे एक व्यक्ति पर एक कार चढ़ा दी। कार से कुचलने के बाद कार ड्राइवर बिना रुके मौके से फरार हो गया है। इस घटना में इस व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि मृतक व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जाँच में जुटी है। एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों ने राज्य सरकार की एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। मुंबई में 1 मार्च के बाद पहली बार मंगलवार को कोरोना के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं, मगर किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।